कांग्रेस का 25 काम गिनवाया हूँ, आप 5 काम मेरे सामने मोदी का गिना, जो मोदी ने शुरू किया मोदी ने उसको खत्म किया। 500 काम बता दूंगा तेरे को, भाग जाओगे, इधर आ जाओ। अगर आप मैनिफेस्टो की बात करोगे, जितने बंदे खड़े ना यहाँ पे, इनको मैनिफेस्टो की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का सारे भारत में डंका। नरेंद्र मोदी के 10 साल हमने देख लिए, बर्बाद कर दिया देश को। रेल भेज दी, सेल भेज दी, हवाई अड्डा भेज दिया, कुछ नहीं छोड़ा। सिलेंडर के रेट 500 रुपये और बढ़ जाऊँ मैं ले लूँगा, राजीव भाई मैं ठीक है, पर आएगा भाजपा। ना मेरे लिए कांग्रेस ने फायदा कराया, ना बीजेपी ने फायदा कराया। लोकसभा 2024 के पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और इस बीच अनकट से मैं अंजलि आ चुकी हूं लोगों के बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो न्याय पत्रिका के बारे में बात करने के लिए। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मानना है जनता का कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में किए गए वादों से। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। कांग्रेस का इस बार इलेक्शन के लिए लोकसभा 2024 के मैनिफेस्टो आ गया है न्याय पत्रिका के नाम से, काफी वादे उन्होंने करे हैं, क्या मानना है आपका उनके बारे में? अग्निवीर जो नहीं, वो स्कीम क्या ठीक है, बिल्कुल सही है, उसमें क्या दिक्कत है? बच्चे थे उनको ट्रेनिंग दी गई है, बच्चे जो जवान बच्चे थे उनको एक ट्रेनिंग भी मिल गई है और कुछ उनका जो महीने की जो तनख्वाह है बच्चे अगर उनको दिया गया है। और मैनिफेस्टो में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब की बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी 400 पार आ रहे हैं, बहुत ही शुभकामनाएं दे रहा हूँ मैं अभी से आपको आपके चैनल के माध्यम से। मेरा मानना तो है ये चुनावी एजेंडा है और कहीं ना कहीं ये एक जो कहते हैं कि राजनीति में जब कोई आदमी होता है तो अपने अपने मुद्दे रखता है, जनता को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। पहली बात तो मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ना मेरे लिए कांग्रेस ने फ़ायदा कराया, ना बीजेपी ने फ़ायदा कराया है। देश में रह रहे हैं तो उसका भी टैक्स भर रहे हैं, तो मेरे को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई वादे हो, कोई कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल आप है। वोट नहीं करते हैं किसी को? नहीं, मैं वोट नहीं करता, दोनों दाएं बाएं मेरा हमेशा से नोटा को मैं दबा के आता हूँ और इस बार तो वोट डालूंगा भी नहीं। आज से अगर 20 साल पीछे चले जाओगे, कांग्रेस वॉज अ वंडरफुल पार्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे हैड अ गुड पीपल। बट अगर मैं करंट की बात करूं, कांग्रेस इज गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। अभी तो वो लहर चल रही है तो हर कोई उसी लहर की तरफ जा रहा है, मोदी लहर। मेन चीज ये है कि जाएगा भी उसी की तरफ, क्योंकि और कोई दूसरा नेता नहीं है अपोजिशन में जिसे वोट दिया जाए। ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का सारे भारत में डंका। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी का विकास लाएगा, मोदी जी ने जो हाथ में सरसों जमा दी है, ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है, मोदी 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 कर रहा है। ना तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी, तुम भी हो यार मोदी, हम भी है यार मोदी। क्या करेंगे विरोधी, लंदन जाएंगे विरोधी, कुछ हिंडली जाएंगे, कुछ लंदन जाएंगे, बोलो भारत माता की जय। अगर आप मैनिफेस्टो की बात करोगे, जितने बंदे खड़े ना यहाँ पे, इनको मैनिफेस्टो की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। बहुत से लोगों को आती होगी, बहुत से लोगों को नहीं आती होगी, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर उनसे मैनिफेस्टो का मतलब, तो बहुत दूर की बात है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, आप अगर कोई अगर चीज़ कैप्चर कर रहे हो, फिलहाल की जो इलेक्शन है, केजरीवाल साहब हमारे बंद हैं और बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो गलत हैं तो वो बंद रहें, अगर वो सही है तो वो छूट जाएगा भाई। और मोदी साहब जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर मोदी जी को कॉम्पिटिटर लाके खड़ा कर दो, आने वाले 10 साल में तो नहीं है। बीजेपी को निशाना साधते हुए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि बेरोजगारी का रेट 8% है और अनएम्प्लॉयड लोग 40% है। अभी अगर मैं गूगल करूंगा ना, तो बेरोजगारी का रेट जो है वो 8% से ऊपर आएगा। पहली बात तो ये है, तो कांग्रेस को बोलो कि पहले तो अपना होमवर्क करे। भाजपा के नेताओं ने साफ तौर से कहा है कि जो मोबाइल के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता था, अब वो मेड इन इंडिया में तब्दील हो गया है, यानी कि इंडिया के अंदर तमाम मोबाइल जो है वो बन रहे हैं, एप्पल जैसी कंपनियां जो है हमारे इंडिया के अंदर बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो
दिख रहा है। आज बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जो घराने हैं वो उनके अंदर हमारे देश के युवा वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। और रही बात 10 साल से जो मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि 10 साल से उन्होंने कोई रोज़गार नहीं दिया, तो रोज़गार तो दिया है लेकिन वो प्राइवेट सेक्टरों में हो चुका है। और कहीं ना कहीं अब आरक्षण की जो ज़रूरत, लोग कह रहे हैं कि हमें आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, संविधान ख़त्म कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में सरकारी आंकड़ा के अनुसार 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज आई है, तो आज आई है तो आज ही आपको बात करना होगा ना। ढूंढना ना चाह रहे, ठेला खोल ले हैं, खोल लो भाई मैं भी खोलूंगा। अब मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, अपने क्या नाम मोमोज का स्टार्टअप खोलूंगा और मैं करूँ भाई, मैं भी बीकॉम पास हूँ, सच बताऊँ तो भाई है भाई मोमोज के लायक मैं बेचूंगा भाई। 1 लाख रुपए सालाना देगी हर गरीब इंसान को अगर सत्ता में आती है कांग्रेस। मैडम आज से पहले क्यों नहीं दिया उन्होंने 1 लाख रुपए, अब देने का क्या फायदा है जब है ही नहीं। मेन चीज ये है ये आपके आप आम आदमी ने दिया ना फ्री में सब कुछ, अब देख लो कहाँ पर है वो। तो ये फ्री की तो राजनीति हमको सबसे बेकार लगती है। मेन चीज ये है फ्री में कुछ नहीं चाहिए अपने को, काम करेंगे कमाएंगे खाएंगे बस। देश गिरवी हो रखा है, 1 लाख रुपए देगा तो पता चला कि आदमी भी गिरवी हो जाएगा। क्या लगता है कहां से लाएगी 1 लाख रुपए हर अगर गरीब परिवार को मिलेगा, और क्या लगता है सच में देगी या सिर्फ झूठी ढकोसले पालती है? आज जिस तरह से आपने मुझसे पूछा अप्रेंटिसिस के बेसिस पे देगी कि नहीं देगी, जरूर देगी, क्योंकि आज किसी अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये बात सच्चाई है, क्योंकि देश के हर युवा को हर रोज़गार लेने का अधिकार है। और राहुल गांधी ने कहा था कि हम रोज़गार के लिए भी एक गारंटी लाएंगे। जो पूंजीपतियों को भाजपा ने दिया है उन पूंजीपतियों को जेल में डाला जाएगा, उनसे रिकवरी करा जाएगा और वो पैसा जो है वो जनता में जाएगा। कांग्रेस के वक्त में क्या मिला तुम्हें? ऐसा एक भी योजना बताओ जो मोदी जी ने लाया हो और मोदी जी ने उसको पूर्ण रूप से पूरे देश में विस्तृत किया हो। तो कांग्रेस ने एक और चीज़ बोली अपने मैनिफेस्टो में कि अपना 2024 देखिए, मतलब अपना आज और अपना 2014, कौन सा बेहतर लग रहा है आपको? तो आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर था, 2024 जो अभी चल रहा है या 2014 का वक्त? 2014 में मैं इतनी समझ नहीं थी और आज जो जी रहा हूँ तो ना आज का वक्त बेहतर है ना पहले का था, सिंपल है, दोनों इक्वली थे। क्या क्या कमी लग रही है आपको अभी के सिस्टम में? कमी क्या है मैम, देखा जाए तो यूथ के लिए अभी कुछ हो नहीं रहा ना। बेरोजगारी की बात भी की है कांग्रेस ने हमने मैनिफेस्टो में, तो मैम कांग्रेस के टाइम में भी थे आज भी है, तो फर्क इतना था तब मुद्दे बना लिए जाते थे, अभी मुद्दे इतने नहीं बनते। चलिए अभी थोड़ा आपका बीजेपी का सपोर्ट निकल के आ रहा है बाहर। नहीं नहीं सपोर्ट मेरा किसी को नहीं है, ना बीजेपी को सपोर्ट है ना मेरा कांग्रेस को सपोर्ट है, मैं नोटा वाला हूँ और इस बार तो वोट देने का भी मेरा इरादा नहीं है। कहना चाहूँगा लोग बाग जो कह रहे हैं ना कि आज महंगाई बहुत बढ़ गई, भाई 2014 के हिसाब से तो देखो तुम, मतलब यार तुम देखो सिलेंडर के ऊपर बात चल रही है आजकल, मीम चल रहे हैं कि 2014 में क्या क्या है भाई, तुम इस बार अपना वो तो देखो भाई, देने वाले बहुत दे रहे हैं, कमेंट में गाड़ी पकड़ने वाले हर सपोर्ट को दे रहे हैं भाई, इस पर मत जाओ तुम कि क्या नाम है तुम्हें इस पर वोट देना उस पर वोट देना, अपना ठीक सुनो भाई। हम तो ये कहेंगे जी तुम अपने हिसाब से देखो, तुम्हारे एरिया का मंत्री कौन है, तुम्हें खाने को दे रहा ना दे रहा, हम तो ये कहेंगे क्या नाम भाजपा बहुत बढ़िया कर रहा है भाजपा। नरेंद्र मोदी के 10 साल हमने देख लिए बर्बाद कर दिया देश को, रेल भेज दी, सेल भेज दी, हवाई अड्डा भेज दिया, कुछ नहीं छोड़ा कांग्रेस ने, जो बनाया था आज वो बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इन 3 विषयों को छोड़ के भाजपा के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। आज का बेरोजगारी का दर इतना है, 83% युवा बेरोजगार है देश के अंदर, लेकिन उस पर बात नहीं होगी बात। और गोदी मीडिया का हाल इतना बुरा हो चुका है कि 1 महीने में 4 सर्वे दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको, EVM में इन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, 400 पार का नारा है इनका, 400 पार का नारा है इनका, जब आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है 400 पार आ रही हैं आपकी, तो आपको 35 वोटों की चोरी क्यों करनी पड़ेगी चंडीगढ़ में, ये भी सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को तमाचा जड़ाता नहीं जड़ाता, ये आप बताइए मुझे। जब 14 के बाद जब राहुल गांधी सेट नहीं हो पा रहे हैं, उनके चलते कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही, तो उसको बदलना चाहिए। अब उन्होंने खड़गे जी को एक मोहर बनाया है, लेकिन आप एक बात बताओ 83 साल का आदमी क्या एनर्जी रहती है, उसका दिमाग और शरीर काम नहीं करता, तो इन गलतियों का परिणाम कांग्रेस भुगत रही है। बाकी इस देश की जनता तैयार है कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए, एक नेता की जरूरत है कांग्रेस को। सारी जनता जानती है, सारे युवा जानते हैं, सारी महिलाएं जानती हैं, उन्होंने जब जगमोहन का सरकार का शासन था 10 साल, कितना इन्होंने उसको मैनिफेस्टो का पालन किया है, कितने अपने वादे इन्होंने पूरे किए हैं, सारे युवा जानते हैं। जब छोटे बच्चे होंगे अब तो वोट डालने के हक में आ गए ये लोग, अब ये स्वतंत्र रूप से अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नाम, जब पहले ही वादे इन्होंने कांग्रेस ने पूरे नहीं करे, अब वो लॉलीपॉप का दिखा के हवा कर रही है, हवा भी लॉलीपॉप से हवा नहीं आती है। 70 साल में क्या नहीं दिया, जब ग्रीन रेवोल्यूशन देश में आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, राइट टू एजुकेशन आया था,
उसके बाद में तुम कह रहे हो तुमको जो 5 किलो अरे सुनो मैं ढूंढ रहा होता अभी तक कच्चे रास्ते पर साइकिल लेकर हाईवे पे थोड़ी जा रहा होता मथुरा सीधा सीधा। कांग्रेस ने उद्योग धंधों को कहा था कि हमारे आधुनिक जगत के मंदिर है और ये कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म है ना वही हमारे उद्योग धंधे है। जब तुमको पता होना चाहिए सुनो जब तुमको पता होना चाहिए जब देश में आज़ादी हुई थी हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं थे उस समय अमेरिका से हमने जब मांगा था गेहूं तो वो जो शुगर को देते हैं ना वो गेहूं हम लोग को भिजवाए थे। और उसके बाद में जब 1956 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके बाद में देश में इतनी अनाज हुई कि आज तक कमी नहीं हुई। और 2013 में कांग्रेस ने राइट टू फूड लाया था और उसी से हम लोगों को 5 केजी जो आज तुम अनाज खाते हो वो कांग्रेस का देन है जो सब। अरे तो तुम कहते हो जो हमको शौचालय का बात करते हो लेकिन कांग्रेस ने IIT बनाया IIM रहे आज मोदी जी कहते हैं हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। भाई आप फ्रांस से अरे सुनो ना आप फ्रांस से नहीं वो वही खुद सुन तो लो खुद अपनी बात से पलट रहे। मैं देखो दूर ना जाऊंगा मैंने सुबह एक वीडियो देखी थी उनकी ठीक है ना उसमें बोल रहे थे उनका इंटरव्यू हुआ था अभी जल्दी भाई तो उनसे कहा था कि राहुल गांधी जी का आपकी जो उत्गुरु है क्या कहते हैं जो भी है वो उनसे कहा गया था कि आपका जो नाम है आपने उन्होंने कहा था कि एक झटके में आप सारी की सारी बेरोजगारी हटा दोगे तुरंत ही पलट के भाई क्योंकि एक झटके में तो नहीं हटाएंगे। तो लोगों का उत्साह देखकर जनता का न्याय पत्रिका के बारे में क्या ओपिनियन है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और अगर अब तक आप वीडियो देख ही रहे हैं तो जरूर वीडियो पसंद आया होगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल अनकट।